एक दिन पहले यहाँ बरसात हुआ था, तो अभी कुछ मौसम सही हो गया है। इधर आगे सरसों के ज़मीन है, तो वहाँ जाएंगे कैंपिंग कर लेंगे। अब हम आ गए हैं यहाँ सरसों के अंदर। अब इधर से कोई जगह ढूंढ लेते हैं, चलते हैं कोई जगह ढूंढने। ये रास्ता मैं आपको दिख रहा हूँ, ये रास्ता जा रहा है सर जहाँ में जाना है। तो मुश्किल जगह है, ये भी खत्म होने वाले हैं आखिरी सीजन उनका भी। और इसलिए मैं आज आ गया हूँ यहाँ पे, ताकि वक्त खत्म होने से पहले मैं यहाँ पे। अच्छा, तो हमने ये जगह चूज़ कर ली है अभी कैंपिंग करने के लिए, तो हम यहाँ उतरेंगे। अब यहाँ पे हम अपना कैंप लगाएंगे और पीछे नज़ारा होगा। और ये हमारा बाइक खड़ा है इधर, सामान का ही ये सामान हमने उतर लिया है कुछ, और ये काफ़ी तरह भी उतर रहे हैं। इस सामान को खोलते हैं, इसको खोलना पड़ेगा। सबसे पहले हम टेंट को लगाएंगे यहाँ पे। ये लाइट भी इधर रख लेते हैं, रात को जलाएंगे। और मैंने कैंप लगा लिया है अभी इधर, अभी इसके अंदर थोड़ा मैं आराम करूँगा। बहुत थक गया हूँ मैं कैंप लगाते लगाते, एक तो सूरज भी ऊपर से गर्म है। अभी मैं अंदर से दिखाता हूँ। अच्छा, तो अभी बाहर चलें, कोई खाने छाने का तैयारी करें, भूख भी लगी है। चाय भी बनाएंगे और बहुत कुछ बनाएंगे, तो लेट्स गो, शुरू करते हैं। अभी थोड़ा चाय का भी प्रोग्राम बनाते हैं थोड़ा सा अभी।
जाएगा, फिर हम दूसरा काम कर लेंगे। अभी इसको भी ऊपर लगा के रखते हैं तब तक ये भी गर्म हो जाए, जैसे सब कुछ खाने। अच्छा तो हम अभी चाय शाय पीते हैं, अभी मजा आ गया। हेलो, मैं आप चलो जी इधर, अभी मैं इधर सूरज भी डूब गया है अभी, और मेरा खाना अभी तैयार होने वाला है, अभी सब कुछ तैयार होने वाला है। तो मैं अभी लालटेन भी जला ली है अभी, और खाना भी तैयार होने वाला है अभी। तो चावल तैयार हो गया है जो मैं यहाँ तैयार करता हूँ। वाओ,
ये मेरे जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल हैं जिन्हें मैं बिताना चाहता हूँ अकेले में यहाँ। इसके बाद हम जाएंगे और मुझे रात यही बितानी है। आज रात मैं इसके अंदर सोऊंगा और एक पुरसकून आसमान के नीचे सो के अपने रब को याद करने की कोशिश करूंगा। चाय भी काफ़ी अच्छी बनी है। रात हो गई है, अभी सितारे निकल आए हैं और मैं अकेला इस सरसों के खेत में, सिर्फ अकेला। वाह, इसको मैं भी सुन रहा हूँ। लालटेन टंगने का कोई जगह नहीं है बीच में, तो इसको मैं इधर कहीं रख देता हूँ। ये भी जरूरी, ये मेरा लाइट है, थोड़ा लगा हूँ मैं अभी इसमें।